हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस पाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड प्रवक्ता ज्योग्राफी यानी झारखंड पीजीटी या जेएसएससी पीजीटी के बारे में। उसका टोटल जो आप लोगों का बैच चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हुआ है, और इसके अलावा जो जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस है उसको हम लोग डिटेल्ड में करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। क्योंकि जो यहाँ पे सिलेबस इन्होंने दे रखा है वो बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस दे रखा है, काफ़ी कुछ गलतियाँ भी मेंशन है, और क्या क्या गलतियाँ हैं उसको भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो आप लोगों का बैच चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए ऐप जी एस पाय दिवाकर प्ले स्टोर से, या आप व्हाट्सअप कर लीजिए इस नंबर पर 8318011238 पर। यहाँ पर जो आपको मिलेगा पूरा कम्प्लीट सिलेबस की गारंटी है, और ये भी आपका एग्ज़ाम से पहले यदि ऐसा नहीं होगा टोटल फ़ी आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो आपका ये होने वाला है ये 15 जुलाई के बाद ही होने वाला है। इसमें आपको टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाएंगे, और टॉपिक वाइज आपको रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास भी मिल जाएगी। अभी जो है रिकॉर्डेड वहाँ पे अपलोड की गई है, क्योंकि तब टाइम जो टाइम है आप लोगों का बहुत कम है आपके पास, क्योंकि जो पूरा मई है आपके पास और जून है, जुलाई का 15 दिन है, ठीक है, यानी कुल 75 दिन है आपके पास, और इसमें टोटल सिलेबस आपको पूरा करना है। टेस्ट सीरीज भी देखिए आपका यूनिट वाइज और कंप्लीट भी मिलेगी। पीडीएफ नोट देखिए आपका हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों मिलेगा, और उसमें पूरा हमने अलग अलग सेक्शन भी बना दिया है, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। इसमें देखिए सिलेबस आपका ये दिया गया है भूआकृति विज्ञान में, ठीक है, ये पूरा सिलेबस है। अब इसमें भी अब देखने पे आपको क्या लग रहा है, बहुत छोटा है, लेकिन इसको आप डिटेल करेंगे तब यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक। तो पहला जो टॉपिक है भूआकृति विज्ञान, तो भूआकृति विज्ञान में यहाँ पर देखिए आपका ये एग्ज़ाम जो है 15 जुलाई को जो होना है, इस पर देखिए हम लोग जो इसका पहले ही डिटेल आपको बताया जा चुका है। इसमें देखिए आपका दो पेपर जो होना है, एक आपका जीके का है जिसमें झारखंड का भी जीके रहेगा, करंट भी रहेगा, नॉर्मल जीके जीएस भी रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का, यदि आप इसको पास करेंगे तभी आप इस यानी कि तभी आपकी कापी जो है सब्जेक्ट वाली चेक होगी। अब सब्जेक्ट में देखिए जो 150 क्वेश्चन टोटल यहाँ पे मिलेंगे आपको, 150 में आपको 75% क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यदि इतना नहीं कर पाएंगे तब भी आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि 75 क्वेश्चन आप यानी 50% यदि आप कर रहे हैं तब आप क्या होंगे, पास होंगे, और उसके बाद फिर आप मेरिट जो बनेगी, यदि मेरिट में आएंगे तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है जो पृथ्वी के पटल का उद्गम और विकास, तो पटल के उद्गम और विकास में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, पृथ्वी का पटल यानी धरातल पृथ्वी के बारे में यहाँ पे दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति आपको इसमें पढ़ना है, भूगर्भिक इतिहास आपको पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टाने भी पढ़ना है। क्योंकि उद्गम और विकास, विकास में क्या जो इसमें आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अलग अलग डिसकंटिन्यूटी है उसको भी क्लियर करते चलना, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। चट्टानों में देखिए 3 टाइप की जो हैं, आपका जो इग्नियस राख हो गया, अग्नेय हो गया, ठीक है, अवसादी हो गया, और आपका मेटामॉर्फिक है यानी कि कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। और ये सारा चीज़ कहाँ पे मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, वहाँ पे जाइए झारखंड या जेएसएससी का जो बैच है उसको क्लिक करिएगा, तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर ओवरव्यू लिखा होगा, इसके बाद यहाँ पर कंटेंट है। यदि यहाँ पर आप परचेज़ करना चाहते हो तो कंटेंट में आइए, यहाँ फ्री कंटेंट भी है, ठीक है, तो उसमें देख लीजिए पूरा हमने जितना सिलेबस है हर एक सिलेबस का अलग अलग सेक्शन वहाँ पे बना दिया है। तो इसमें देखिए आपका ये चीज़ें आज अपलोड हो जाएंगी, भूगर्भिक इतिहास, उत्पत्ति, आंतरिक संरचना ये मिल जाएगा, ठीक। अब क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमने करा दिया आपका, देखिए पृथ्वी का संचलन, संचलन यानी कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, या अर्थ मूवमेंट, इसमें क्या पढ़नी है आपको, गतियाँ पढ़नी है। महाद्वीपीय विस्थापन आप लोगों को कराया गया वहाँ पर है अपलोड, प्लेट टेक्टोनिक्स ये अलग से है, ये भी है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और, जो अर्थ मूवमेंट है उसमें दो तरह के मूवमेंट बेसिकली आपके यहाँ पे हैं, एक आपका जो अंतर्जात बलों के कारण होता है, एक बहिर्जात बलों के कारण होता है, ठीक। तो अंतर्जात बलों की वजह से क्या होता है, आपका जो वलन हो गया है, भ्रंशन हो गया, यह सारी चीज़ें होती हैं। बहिर्जात बलों में जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, वायु के द्वारा हो गया, जिसमें आपका जो अपक्षय अपरदन हो गया, यानी कि इसमें क्या आ जाता है, इसमें अनाच्छादन आ जाता है, ठीक है, बहिर्जात में। तो अनच्छादन में क्या होता है, इसमें अपक्षय और अपरदन को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, अनच्छादन बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। तो पृथ्वी के संचलन में आपको क्या चीज़ें पढ़नी, अब देखिए इसमें क्या है कि अपक्षय के प्रकार पढ़ लीजिए, जिसमें भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय,
ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका जैविक अपक्षय भी है। अपर्दन का, अपर्दन के जो अलग अलग कारक है, वह अपर्दन के कारकों में कौन से आ गए, भू आकृति की जो निर्माण वाली हैं इसमें अपर्दन के कारकों में यहाँ पर देखिए भू आकृतियाँ हैं ना। अब नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति हो गई समुद्री काश और अर्धशुष्क, तो इसमें अपर्दनात्मक भी बनेगा स्थल रूप और कौन सा बनेगा निक्षेपात्मक बनेगा, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ से आपका श्योर है प्रश्न पूछा जाना, ठीक इस टॉपिक से। इसके अलावा देखिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुई हैं जो उसके सिलेबस में है। पुनर्यूनित, अब जैसे जो आपका नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं इसे सामान्य या नदी के अपर्दन चक्र को सामान्य अपर्दन चक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक स्टेज के बाद क्या होता है जब आपका जो मेन सी लेवल है ठीक है, तो यह आधार तल में जब परिवर्तन होगा तब क्या होगा पुनः यहाँ पे अपर्दन चक्र पुनः चालू हो जाएगा ठीक है। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे मल्टीपल जो साइक्लिक लैंडफॉर्म होते हैं या बहुचक्री जो स्थलाकृतियाँ होती हैं उसको भी आपको यहाँ पर पढ़ना है ठीक। इतना हुआ आपका प्लेट विवर्तन की हो गया। अब देखिए इसमें आपका एक मेंशन है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी में आपको पढ़ना है कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी प्रकार आपको देखना है। ज्वालामुखी में जो लैंडफॉर्म बनते हैं ठीक है, चाहे आप सील की बात करेंगे या डाइक की बात करेंगे ठीक है, या बैथोलिथ की बात करेंगे, लैपोलिथ की बात करेंगे या लूपोलिथ की बात करेंगे ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें जैसे ज्वालामुखी जब आएगा तो भूकंप भी आता है ठीक है। अब ज्वालामुखी बेसिकली जो दो टाइप के होते हैं, एक आपका जो है फिसर इरप्शन टाइप का, एक है सेंटर इरप्शन टाइप यानी केंद्रीय उद्गार का, और एक आपका दरारी उद्गार का। तो इसमें जो ये जो टाइप हैं ठीक, तो जब ये केंद्रीय या दरारी होगा तो क्या होगा इससे भूकंप भी आसपास आएगा क्योंकि झटका तो लगेगा ही। तो भूकंप यहाँ से आप पढ़ लीजिए कि भूकंप क्या है, भूकंप के प्रकार देख लीजिए, किस पैमाने पर ये मापा जाता है इसको देख लीजिए रिएक्टर स्केल को यानी कि ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक यहाँ पे है ये है अपर्दन चक्र। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, केवल मेंशन है डेविस, लेकिन डेविस के साथ आपको पिंक का पढ़ेंगे तभी आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। तो डेविस और पिंक चूँकि वहाँ पर स्पेशली मैंशन नहीं किया, अभी यहाँ पर पिंक से पूछ लिया तो आप एग्ज़ाम से बाहर तो नहीं जाएंगे, भैया पूछ लिया तो हम जो है इसको नहीं देंगे ठीक। तो यहाँ पे यानी कि आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे पढ़ के जानी है, क्योंकि सिलेबस जो भी दिया जाता है वो थोड़ा दिखाया जाता है लेकिन उसमें और बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं ठीक है। तो डेविस और पिंक को यहाँ पे पढ़ना है अलग अलग, इसके अलावा अंतर पढ़ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं वहाँ पर हमने झारखंड वाला जो GSSC का बैच है उसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया है। ये पूरा आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिए जाके, PDF भी है और वीडियो भी है। और इसके बाद जैसे ये आज कंप्लीट हो जाएगा तो कल इस पर हम लोग क्या करेंगे टेस्ट वहाँ पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो टेस्ट आप इसको दे लीजिएगा। तो ये टोटल हो गया ना डेविस पिंक और ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ से फिर से आ जाइए, अब यहाँ पर दोबारा से दिखा दे रहे हैं क्या हमने बात किया, पृथ्वी के पटल का उद्गम और विकास, जिसमें आपको क्या है आंतरिक संरचना, सैल, उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। संचलन में आपको अंतर्जात बहिर्जात बल हैं, पृथ्वी की गतियाँ पढ़नी है। प्लेट विवर्तन की में यहाँ पे आपको महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तन की दोनों पढ़ना है। ज्वालामुखी, इसके प्रकार, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सैल दिया है ना, चट्टान, चट्टान के प्रकार, ये आपका इसी में आ जाएगा। अपर्दन चक्र में देखिए डेविस दिया है तो डेविस और पिंक दोनों देख लीजिए। और इसके बाद आ गया ये स्थलाकृतियाँ ठीक है, जिसमें आपका देखिए शुष्क है यानी कि वायुण प्रक्रम हो गया, कास्ट दो ही दिया, लेकिन मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे नदी का भी पढ़ना है, हिम नदी भी देख लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा, ऐसा नहीं कि केवल यही दिया है तो यहीं से पूछा जाए, यहाँ से भी बनाएगा। पुनर्यूनित और बहुचक्री मल्टी साइक्लिक और रिजुविनेटेड जो लैंडफॉर्म है वो भी आपका यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये टोटल हो गया जियोमॉर्फोलॉजी का। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जो जलवायु विज्ञान है, तो जलवायु विज्ञान में यहाँ पे देखिए कहीं सूर्यातप मेंशन है नहीं है ना, ऊष्मा बजट नहीं मेंशन है, तापमान नहीं मेंशन है, जबकि ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसके ठीक है। यहाँ पर देखिए कहीं आपको वायु संगतियाँ यानी कि वायु राशियाँ दिया है, वातावरण दिया, वायुदाब कहीं मेंशन है नहीं है, पवनों के बारे में नहीं मेंशन किया गया, जबकि ये सब टॉपिक हर बार पवन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ठीक है। भूजल, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड हैं, ऐप पे जाके आप विजिट कर लीजिए। तो इस वीडियो में केवल इतना इन्फॉर्म करना था आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी थी कि सर इसमें जो है जो दिया गया इसमें क्या पढ़ा जाएगा। अब देखिए गलतियों की जो मैं बात कर रहा था कि हिंदी में देखिए इन्होंने केवल सिलेबस बनाया, यहाँ पर मुद्रा लिखा है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मृदा का उत्पत्ति या वर्गीकरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं,
और यहाँ पे तथा इन्होंने जोड़ दिए कामा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वितरण सवाना और मानसून जीव, तो यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए था, बायोम, और फिर आगे इसमें जोड़ना चाहिए था क्या, सवाना बायोम और मानसून बन बायोम या जीव। तो बायोम जीव दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए आपका समुद्री निक्षेप है, मूंगा चट्टाने, तो मूंगा चट्टाने आप ढूंढते रह जाएंगे, ये क्या है, प्रवाल भित्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें कमियां हैं, ये यही चीज़ें, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से देख के चलना। आप देखिए एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन है, भारतीय महासागरीय तल दिया है, तो इसमें न केवल आपका इंडियन ओशन पढ़ना है बल्कि आप तीनों को देखिए, अटलांटिक भी देखिए, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। महासागरीय तल का उच्चावच दे दिया, अब यहाँ भी स्पेशली इंडिया का, तो तल के उच्चावच में अटलांटिक और प्रशांत भी आप पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि उच्चावच में यहाँ पे आपको गर्त को पढ़ना है, यहाँ पे जो कटक है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, और ये पूरा कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यदि आपको लगे कि हाँ आपके लिए ये अच्छी चीज़ें हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो सही है, तो ठीक। इसके अलावा हम लोग एक सीरीज आपकी चलने वाली है जिसमें लाइव टेस्ट आपका चलेगा, ठीक है, लाइव टेस्ट रहेगा, और इसमें टोटल कल से स्टार्ट हम लोग करेंगे, कल से आपका ये शेड्यूल अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें 30 प्रश्न आपके कहाँ से रहेंगे, आर्थिक भूगोल का, जिसमें भारत से ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पे शामिल किया जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी आप इंडिया से बहुत ज़्यादा टेस्ट अभी नहीं कराए गए हैं, ठीक। तो इसमें इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो ऐप डाउनलोड आप करेंगे ना, तो वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या प्ले स्टोर से आप जान ही रहे हैं।